2016 वाला एग्जाम जब मैंने दिया तो समझ नहीं आया आरएस का सिलेबस क्या होता है, तो मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई क्या होती है। ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं और आर्ट्स के बारे में आपको जीरो, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और राजस्थान में क्या 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 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते, जैसे कि मुझ साथ हुआ। एसडीएम की ये लाइफ नहीं है, एसडीएम को उस लेवल पे जाके देखना है जहाँ ग्रास रूट लेवल पे आदमी को क्या परेशानी आ रही है उसकी समस्याओं का हल एसडीएम को करना है। 2-2.5 साल खुद पे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो उस 2-2.5 साल का क्या आउटपुट हुआ, जीरो हो गया 2016 में। तो हमको भागना नहीं है, जैसे जो लोग पहले मैदान छोड़ गए तो उनके पास आउटपुट कैसे है, कुछ 1% लोग ही, राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन के लोग जो प्रशासन में होते हैं वो 1% लोग होते हैं। सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मेरी एक काफ़ी लंबी जर्नी रही आरएस में। 2016 वाला अटेम्प्ट मैंने पहली बार दिया जिसकी स्टार्टिंग मेरी 16 अगस्त 2014 को होती है। तो 2014 से लेके 2024 तक के जो ये टाइम को टेन्योर को हम बात करें तो 10 साल एक दशक हो गया जिसके बाद मैंने ये अचीवमेंट हासिल की। आजकल के यंगस्टर बहुत चाहते हैं कि हम एक बार भी पहला अटेम्प्ट दें और निकल जाएं। गुड विशेज आए कि हम ऐसे लोगों को भी देखें। मैंने बहुत सारे ओटीएस में लोग देखे 2016 में, 2018 में, 2021 में भी अब देख रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम में बैठते हैं एग्ज़ाम में और 22, 23, 24 में आरएस बन जाते हैं, प्रॉपर में बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2016 वाला एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो मैं भी ऐसे आपकी तरह 22 में थी, तो दिया तो समझ नहीं आया आरएस का सिलेबस क्या होता है और फितूर में था, प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, कुछ 20 नंबर से नहीं हुआ। तो अपनी अपनी जर्नी होती है हर किसी इंसान की। तो मेरा जो ग्राउंड था, बैकग्राउंड था, वो गवर्नमेंट स्कूल से रहा। 10th तक मैं मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से, जो केसी सिंहपुर मेरा टाउन है, वहाँ से की। और विश्वास मानिए मैं बहुत लोअर एवरेज की स्टूडेंट थी, तो मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई क्या होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एक पढ़ाई का सिनेरियो जो देखा, लोगों को कम्पीट करते देखा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम भी होता है। मुझे बीएससी से पहले एग्ज़ाम का पता नहीं था, मैंने आरपीएमटी एक एग्ज़ाम होता था वो क्रैक किया, पर उसमें पैकेज ज़्यादा था तो कई ऐसे सिचुएशंस थे जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई उसमें। तो देखा कि आपके पास एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं और आर्ट्स के बारे में आपको जीरो, मतलब तब 33 डिस्ट्रिक्ट थे राजस्थान में, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और राजस्थान में क्या 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 क्या, मैं गंगानगर रह रही हूँ तो हो है क्या। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर किसी की जर्नी अलग होती हैं। डेफिनेटली आप यंगस्टर हैं और आप क्योंकि राजस्थान की राजधानी में उपस्थित हैं, तो ये तो मान के चलिए कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे आपको कंपाइल करके चीज़ें दी जाती हैं और चीज़ें सिस्टमेटिक जब आदमी को मिल जाती हैं तो उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। कुछ चीज़ों में तो आप हमसे लीड वैसे ही ले चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात करें कि कुछ लोगों की जर्नी, मतलब बैकग्राउंड ऐसा होता है जिसमें उनका स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती, जैसे कि मेरी नहीं स्कूलिंग अच्छी थी, तो उनको टाइम काफ़ी लगता है क्योंकि उनका स्टार्ट बहुत पीछे हो जाता है। आप जो चीज़ें 10th तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हो, आप ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी चीज़ें से पढ़ चुके होते हो, वो आपको एफर्ट कम करने पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोग निकलें जो 24 में निकल जाएँ, 23 में निकल जाएँ, 22 में निकल जाएँ, एसडीएम बन जाएँ, स्टेट सर्विसेज में आ जाएं। परंतु कईयों के साथ ऐसे भी मिसहैपनिंग्स होती हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते, जैसे कि मुझ साथ हुआ। तो हमको अगर हमने एक टारगेट फिक्स कर लिया है तो वापस नहीं जाना। जैसे कि अभी लाइट चली गई थी तो काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो मैं देख रही थी कि यहाँ से स्किप करने वाला कोई है क्या, कि इस जो हॉल है, क्योंकि हम भी एक सर्विस में आते हैं जहाँ पे हमको एक एसी वाला चैम्बर दिया जाता है। मैं अभी 2018 में जब मुझको एआर की पोस्टिंग हुई तो एक अच्छा खासा ऑफिस मिलता है, तो अगर हम उस चीज़ में चले जाएँ, कंफर्ट जोन में चले जाएँ कि भाई यहाँ तो एसी नहीं है, मैं तो गर्मी लग रही है तो चले जाऊँगा, तो ये हमारी यात्रा नहीं है। एसडीएम कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ ऑफिस में बैठा रहे, उसको बाहर निकलना पड़ता है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन व्यवस्था पढ़ी होगी, जहाँ बाजार व्यवस्था थी वहाँ खिलजी साहब खुद जाते थे और मतलब देखते थे व्यवस्थाएँ क्या होती हैं। ऐसे शेरशाह सूरी का काल देखा होगा जिसकी प्रशासन व्यवस्था जानी जाती है इंडिया में। तो जो भी लीडर्स रहे हैं, तो अगर आप लीडर बनना चाह रहे हो, आरएस भी एक तरह से लीडर है, प्रशासनिक लीडर है, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि कंफर्ट जोन में आए कि हाँ हमारा 18 डिग्री पे टेम्परेचर होना चाहिए, एसी हमारा तो बढ़िया डेकन और ओ जनरल का एसी लगा होना चाहिए तभी एसडीएम बैठेगा। नहीं,
SDM की ये लाइफ नहीं है, SDM को उस लेवल पे जाके देखना है जहाँ ग्रास रूट लेवल पे आदमी को क्या परेशानी आ रही है उसकी समस्याओं का हल SDM को करना है। तो हमको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस व्यक्ति के बारे में सोच के और उसको खुद के स्थान पे, जिसको हम कहते हैं एम्पैथी सिंपैथी, उस लेवल पे जाके सोचना है। तो हार नहीं माननी है हमको, पेशेंस, जैसे कि विक्रांत जी ने भी बात की, कौशल जी ने भी बात की, तो पेशेंस रखना चाहिए। अगर यही सोच के मैं ये बोलती कि 2016 में नहीं हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो शायद मैं भी मैदान छोड़ के आप किसी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती, शादी कर ली होती, शायद दो बच्चों के साथ होती, या कुछ फला 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 जो भी। तो हमको अगर हमने एक टारगेट फिक्स कर लिया है, तो क्योंकि मैंने एक बात ये सोची कि अगर मैंने 2-2.5 साल खुद पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उस 2-2.5 साल का क्या, जो मैंने मेरे ज़िंदगी के एक पढ़ाई के बंद कमरे में दे दिए हैं, उसका क्या आउटपुट हुआ? ज़ीरो हो गया 2016 में, 2016 के एग्ज़ाम में, तो उसको मैं ज़ीरो तो नहीं होने दूंगी। तो उसको मैंने 2018 में वापस कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ पे उस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हुई कि मैं जयपुर में आके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकती थी। आजकल के टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ऐसी कोर्सेज हैं जिसको हम परचेज कर सकते हैं। 2021 में मैंने सम्यक का ही, जैसे साइंस और, क्योंकि साइंस चेंज हो गई थी, आपको सबको ध्यान ही होगा, तो साइंस और हिंदी का कोर्स भी परचेज किया। इसके साथ साथ जो आपके पुष्पा मैम पढ़ाते हैं, पुष्पा सरस्वत मैम की क्लासेस भी ली, तो मुझे ऐसे कंटेंट अच्छा लगा जिसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ, अगर हम कहीं बाहर बैठे हैं तो हम जयपुर का व्यक्ति क्या पढ़ रहा है, क्योंकि हमको रैंक लेनी है तो राजस्थान के सभी बच्चों में से कम्पीट करके रैंक लेनी है, तभी हमारी रैंक आएगी। अगर हम ये सोचें कि गंगानगर के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो गंगानगर के कुछ बच्चों में मान लो 500, 600, 800 रैंक है, तो आपकी 200 रैंक आ जाएगी, 400 रैंक आ जाएगी। तो हमको उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो राजस्थान राजधानी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और डेफिनेटली आप तो राजधानी में हैं ही और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको भागना नहीं है, जैसे जो लोग पहले मैदान छोड़ गए तो उनके पास आउटपुट कैसे आएगा? बिल्कुल आने की संभावना जीरो होगी। और अगर आप कोशिश करते हैं, हो सकता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट ना बन पाए, सेकंड अटैम्प्ट में ज़रूर बनेंगे। और अगर किसी का मतलब लक फैक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सेकंड अटैम्प्ट में नहीं बन पाया, तो प्लीज़ वेट कीजिए, आप थर्ड अटैम्प्ट में ज़रूर बनेंगे। मैंने तीसरा अटैम्प्ट दिया और मैंने ये सोचा था ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट होगा। अगर मेरी नियति चाहती है कि मेरा सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो तो मैं निकल जाऊंगी, नहीं तो फिर अपने देखेंगे। जिस सर्विस में मैं अब हूँ तो मैं उसके साथ कम से कम अन्याय नहीं करूँ, क्योंकि छुट्टी लेना भी एक तरह का राजकीय अन्याय ही है कि आप अपनी करंट सर्विस में भी नहीं हो और आप आगे का भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो एक अपने को एक फिक्स टाइम दीजिए कि हाँ, ये टाइम मेरा है और इस टाइम में मैं अपना 100% और 1% दूंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। डेफिनेटली जब हम RS की तैयारी करते हैं, तो क्योंकि ये राजस्थान का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो अगर आप खुद को किंग बनाना चाहते हैं, RS कुछ 1% लोग ही, राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन के लोग जो प्रशासन में होते हैं वो 1% लोग होते हैं, तो अगर आप उस 1% की लोबी में शामिल होना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई त्याग नहीं करना पड़े। जीवन त्याग मांगता है, कोई भी चीज़ आप एक चीज़ करते हो तो वो दूसरी चीज़ खोनी पड़ती है, उसकी वजह से आप दूसरी चीज़ कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, आप घर से दूर हैं, डेफिनेटली कई लोग हैं अलग अलग सिटीज से आए हैं तो आप घर त्याग चुके हो, कई बार फंक्शंस भी अपने अटेंड नहीं कर पाते। तो मैं आपको अपना ऐसे एग्जांपल दूँ, तो मैंने मेरी जो फैमिली में पिछले 10 साल में अब वाले जो फंक्शन है इस साल के ज़रूर अटेंड किए, जहाँ पे आपको एक इज्जत के साथ रिप्रेजेंट करती है आपकी फैमिली की, ये हमारी लड़की है, फलां पद पे स्थापित है। तो मैं 10 साल में पिछले किसी भी फंक्शन में नहीं गई, मैंने कहा उस फंक्शन से मेरी पढ़ाई को कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो RS के सिलेबस का एक पार्ट नहीं है। तो आज शादियाँ आ जाएंगी, बाकी समारोह आ जाएंगे, और यकीन मानिए जब आप ये तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो इसका आउटपुट आपको मिलता है। नियति आपका साथ देती है, ईश्वर आपका साथ देते हैं, और जो आपको गुरुजन पढ़ा रहे हैं वो डेफिनेटली उनकी गुड ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है, तो वो आपके परिणामों में दिखती है। तो हमको भागना नहीं है, और मैं ये आशा करूँगी कि अपने बेस्ट रिजल्ट दें और अच्छे रिजल्ट के साथ इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। धन्यवाद।